एजल को ना इसी हॉस्पिटल ले जाते हैं, परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ती है बहुत ज़्यादा। एजल बेटा एजल अच्छी है ना, इसको क्या पता। तो गाइस हॉस्पिटल आ चुके हैं और उसके बाद इसको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है कैसा रहता है, बाकी बता दें किसी आप अब इनके लिए ले काम ना आए जो इनके लिए ले काम ना आए जो अब बेटा अब तो आखिरी अब तो के लेके ना आवे के समझ लो ना, ऐसे ही जीत करबू तो कहीं ना लेके चले के। तू उतना खा पाई तो ही बताओ, उतना खा पाई चलो ठीक है। टाइम मस्ती करती रहती हूँ क्या, अभी जाने का टाइम हो गया है गाइस, अंदर शादिया वेट कर रही हैं। हाँ बहुत परेशानी है, है जल मम्मा के देखेबू। हाँ तू कहाँ जाऊँ, तू मेरो में दिखा के आती हूँ। मैं तू क्या करने जाऊँगी, मैं हम जाऊँगी क्या करने, किसको प्रभु दिखा रहे हम दिखाएंगे तुमको। ये बहुत ज्ञानी बाबा है, ज्ञानी बाबा हो बहुत डिस्टर्ब कर दिया ये, और इसको लेकर आने का दिल नहीं करता है कि लेकर आए, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं इसको अपनी मम्मा के पास छोड़ देना, और गाइस हम लोगों ने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। हाँ अभी हम चलते हैं, हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, दिखा लिए इसको बहुत डिस्टर्ब कर दिया सर। तो ओके ये परेशान कर रही है फिर भी चला। थोड़ा सा अच्छे से नमक वमक लगा दीजिएगा, नमक और नींबू वो लगा दिया ना जी, नमक लगा रहता है तभी अच्छा लगता है। हाँ ठीक, हल्की हल्की छीसी पड़ रही है गाइस, बारिश हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए। एजल इधर देखो, एजल देखो तो सो गई थी बेचारी, हाँ जग गई बारिश की वजह से ना बेटा। देख तो अभी हो रही है बारिश, तेज हो रही है अभी, देखो तेज हो गई बारिश। चलो देखते कब तक बंद होता है, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी तक तो बंद नहीं हुआ है। हाँ तेज तो हो गई बारिश, कर आते आते भींगी गए हम लोग, ये भी भींग गई और मैं तो अच्छे से भीग गया, सबसे ज़्यादा आप भीग गए। मैं बाइक चला रहा था ना इससे मैं भीग गया, और अंदर हमको लग रहा है सब सब भीग गए, कपड़ा चेंज करिए फटाक से, बीमार हो जाएंगे। मेरा तो मतलब मैं या मेरी बेटी अगर थोड़ा सा भी हम लोग को भीगते हम लोग या मौसम चेंज होता है ना, तो हम लोग का चेहरे से आवाज से आंखों से सब उसकी आंखें लाल हो गई, पानी गिरने लगा, सामान वामान सारे बिखरे हुए इधर इधर, तो हम ही लोग फैला दिए सारा लाके, कपड़ा चेंज करते फिर मिलते। ओके ये क्या गुलाब जामुन है क्या, किसी घर से वो आया क्या जर्दा पूरी, वो मेरे चच्चा चच्चा घर से। ये काला जामुन गाइस, ये तो बुढ़िया गुलाब जामुन है ना, बुढ़िया का नहीं, इतना छोटा नहीं बुढ़िया रहता है, है। ये किसके घर से आया, उन्हीं के घर से आया, ये दोनों उन्हीं घर के आई है वो ससुराल से विदाई करके। ये पहुरा हम लोगों की तरफ चलता है, पहुरा ही है ना, सो कर रोटी हो क्या अभी, हाथ तुम्हारी तबीयत सही नहीं होने वाली मुझे लग रहा है। चलो सबसे पहले ये खा लेते हैं पौरा उरा, पौरा खाने में बहुत तेज हूँ गाइस मैं। ये गाइस ये सारा दीवार देख सकते हैं, 8 साल पुराना पेंट वेंट है, तो ये सारा शादी में पेंट हो जाएगा, और 8 साल पुराना। बिरयानी बना दो, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है बिरयानी बनाने की तैयारी, और इधर कुछ सामान मैंने रेडी भी कर लिए हैं, तो फटाफट बनाते हैं और आप सभी को फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ बिरयानी मिक्स करने, मतलब ये जो नींबू टमाटर और बाकी मैंने ये फ्राई करके रखा हुआ है
और ये मैंने पुलाव भी बना लिया है, तो इधर आप देख सकते हो, और इधर गोश्त भी तैयार हो गया है। तो मैं फटाफट अभी थोड़ा सा ना, जैसे मैं एकदम भूना बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो थोड़ा सा पानी था तो मैंने सोचा इसको पानी को सुखा देते हैं, फिर उसके बाद इसमें मिक्स करते हैं। तो चलते हैं फटाफट मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। घर में बहुत कम ही लोग हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, हम और हमारे ससुर और हमारे हस्बैंड जी। तो चलते हैं फटाफट मिक्स करते हैं, खाते हैं, और ऐजल को तो मैंने टाइम से सुला दिया था, मिलते हैं आप सभी से बाद में। यहाँ पे आज मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से सिर्फ बिरयानी मिक्स कर रही हूँ और एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, घर पे कोई नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी लोग बनारस हैं और मेरी दोनों ननद लोग भी और सासू माँ वगैरह सभी लोग हैं, तो देवर जी दो हैं, दोनों लोग वो लोग भी बनारस हैं, तो मैं और मेरे ससुर जी हस्बैंड जी हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से बिरयानी मिक्स कर रही हूँ, तो बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है जितना देखने में लगता है। तो गाइज, मैं एक हाथ से बिरयानी बना रही हूँ, मतलब मिक्स कर रही हूँ, देखते हैं किस तरह से तैयार होता है। सो गई है और मैं इधर जा रही हूँ खाने बिरयानी, और उधर दूसरे वाले रूम में ऐजल के पापा खा रहे हैं अप्पा के साथ। तो गाइस फटाफट खा लेते हैं क्योंकि सोने का टाइम भी हो गया है, रात काफ़ी हो गया है। तो मिलेंगे आप सभी से सुबह। सादिया को चना दिया जाता है ना ऐसे फुला के खाने को, तो ये खाती नहीं फुला कर। सो कर उठ गई जी मोहतरमा। क्या यार, जब भी वीडियो आजकल शूट कर रहा हूँ बिना मुँह हाथ धुले बिना मेकअप का, चना फ्राई कर लिया, भूख लग गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, खाते हैं। वैसे सुबह के लिए मटर ला देते हैं अब तो अच्छा रहता, मटर बोल के छोला बनाएंगे। अच्छा, और हॉस्पिटल से आ गया और मैंने आप सभी को बताया भी नहीं सारी बातें, तो चलिए चना खा लेते हैं, फिर इत्मीनान से बैठते हैं, तो इस वीडियो को एंड भी कर देते हैं क्योंकि दो दिन से वीडियो शूट हो रहा है। और आप सभी को बताते भी हैं कि आगे का मतलब कौन सा टेस्ट करवाने जाना है और कहाँ जाना है, तो वीडियो में बने रहिए, पहले चना खाते हैं फिर मिलते हैं। बाकी चाय बन रहे हैं ना? नहीं चाय नहीं, ये अंडा बॉयल कर रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। हाँ। और इधर खीर बना रहे हैं। वाह, और चलो छत पे चल के दिखाते हैं क्या चल रहा है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन है थाना, और यहाँ पे जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग। देखिए इधर डीजे लगा हुआ है, इधर बाकी पूरा प्रोग्राम सजा हुआ है, देख सकते हैं गाइस ये कुछ ऐसा माहौल है। बहुत आवाज़ आ रही होगी, आप लोगों को दिख रही होगी, और ये अपना तिरंगा तो देख सकते हैं कितना मस्त फहर रहा है, ये मस्त बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज यही बहुत शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा था काफ़ी टाइम से, दोपहर को लाइव भी जब आया था तब भी ये आवाज़ सुनाई दे रही थी आप लोगों को, और इस टाइम भी जब वीडियो शूट कर रहे थे गाइज तो भी आवाज़ आ रही थी। तो चलिए सबसे पहले सांस के टाइम लाइट को जला देते हैं, अभी अंधेरा, बाकी बहुत अंधेरा आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सबसे पहले कुछ लाइट जला देते हैं फिर उसके बाद नीचे जाते हैं क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है, लाइट जल गया गाइस। तो चलते हैं नीचे फिर सादिया से आप लोगों को मिलाते हैं, बाकी आवाज़ बहुत आ रही होगी आप लोगों को। पीछे थाना है, देखिए यहाँ से खिड़की से आप लोगों को दिख रही होगी, पीछे ही थाना है और ये पार्क है गाइस। तो चलिए नीचे चलते फिर सादिया से मिलाते हैं आप लोगों को। मेरा मायका ससुराल दोनों बिल्कुल एक जैसा हो गया, वहाँ पे भी घर के सामने 2-3 मंदिर है तो वहाँ पे भी हमेशा ये सब सुनाई देता रहता है, और यहाँ पे थाना है तो यहाँ पे भी जन्माष्टमी का इतना शोर शराब हो रहा है कि मेरी आवाज भी सही से जा रही होगी नहीं, वैसे इसीलिए मैंने माइक लगा लिया है। तो अभी तो बनाने की खाना की तैयारी कर रहे हैं और शाम का टाइम हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, ऐजल अभी तक नहीं आई नानी के घर से, तो गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो को हम लोग एंड कर देते हैं और आप सभी को बता भी देते हैं कि मुझे फिर से बनारस जाना है, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम दिखाएंगे अपना कि कौन सा हमारा जांच डॉक्टर ने लिखा है। तो चलिए इस वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, और अभी रात के खाने की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है मुझे, और आप सभी से प्रॉमिस भी किया था कि आज वीडियो आप सभी को मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह आज आप सभी को वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दें, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, बाकी बहुत सारे लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड करिए,
तो चलिए इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, लेकिन हर दिन वीडियो नहीं आ पाएगा, एक दो दिन तो गैप हो ही जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह कल आप सभी को मतलब कल या परसों एक दो दिन के अंदर फिर बनारस का वीडियो मिलेगा, क्योंकि हम लोग कल बनारस जा रहे हैं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज़, सभी को बाय बाय।